हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज केशव। कल हमने हमारा लेसन हुडिड टैक्टिक्स नंबर कंप्लीट किया था और एंड आई होप कि आपने इस लेसन की जो स्पेलिंग मीनिंग्स हैं एंड इसके जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपने किए होंगे। ठीक है, इसकी स्पेलिंग एंड मीनिंग्स आपको नोट डाउन में नोट करना है। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जिसके टेक्स्चुअल क्वेश्चंस है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, पैट्रिक ने क्या सोचा हिज कैट वाज प्लेइंग विद, उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी, व्हाट वाज इट रियली, अरे वास्तविकता में क्या था। आंसर होगा इसका, पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद ए लिटिल डॉग, पैट्रिक ने सोचा हिज कैट वाज प्लेइंग कि उसकी बिल्ली खेल रही थी विद ए लिटिल डॉग, एक छोटी सी डॉल के साथ। इनफैक्ट इट वाज एन एल्फ, वास्तविकता में क्या था, एक एल्फ था। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश, जो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक से एक विश मांगने के लिए क्यों कहा। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश, जो लिटिल मैन है उसने पैट्रिक से ए विश मांगने के लिए इसलिए कहा, ऑन द कंडीशन, एक कंडीशन पे कहा था, दैट की ही वुड सेव हिम फ्रॉम द कैट, कि वह उसे बिल्ली से बचाएगा। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका, ऑन द कंडीशन दैट ही वुड सेव हिम फ्रॉम द कैट, यहाँ से लेकर यहाँ तक लर्न करना है, क्योंकि द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। What was Patrick's wish? Patrick की इच्छा क्या थी? Patrick wanted that the elf should do all his homework till the end of the semester. Patrick चाहता था that कि the elf should do, कि जो elf है उसे करना चाहिए all his homework, उसका पूरा गृह कार्य till the end of the semester, semester के समाप्त होने तक। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? इन वर्ड सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट से जिसमें कि जो छोटा आदमी था उसे सहायता की आवश्यकता हुई पैट्रिक के होमवर्क करने में। आंसर होगा इसका, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश मैथ्स एंड हिस्ट्री, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प, जो छोटा आदमी था उसको आवश्यकता हुई पैट्रिक की सहायता की इंग्लिश में मैथ्स में एंड हिस्ट्री में। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, इंग्लिश एंड मैथ्स को आप अच्छे तरीके से जानते हो। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की। पैट्रिक हेल्प्ड द लिटिल मैन बाय रीडिंग द प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, टेलिंग टेबल्स, हेल्पिंग विद सम्स एंड प्रोवाइडिंग बुक्स। पैट्रिक ने उसकी सहायता की उस छोटे से आदमी की बाय रीडिंग, पढ़कर, एंड प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, जो शब्द थे उनका प्रोनाउंसिएशन करके, उनका उच्चारण करके, टेलिंग टेबल्स टेबल्स बताकर, हेल्पिंग विद सम्स एंड प्रोवाइडिंग बुक्स, और उसने कुछ सम्स का हेल्प किया और कुछ पुस्तकें प्रोवाइड की। हु डू यू थिंक, हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, आपको क्या लगता है कि हम जो पैट्रिक का होमवर्क है वो किसने किया, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, जो लिटिल मैन है या फिर पैट्रिक खुद ने किया। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, इसका आंसर आपको देना है रीजन के साथ। इट वाज पैट्रिक, ये पैट्रिक था हु हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क, जिसने कि अपने आप ही गृहकार्य किया था। द लिटिल मैन हु रोट द आंसर, और जो वो छोटा आदमी था जिसने कि आंसर लिखी, वाज एन इमेजिनेशन, जो कि क्या था, केवल एक इमेजिनेशन थी, एक कल्पना थी। वाइल पैट्रिक हिमसेल्फ टोल्ड हिम व्हाट टू राइट, जब क्योंकि पैट्रिक उसे खुद बता रहा था कि लिखना क्या है, इनफैक्ट वास्तविकता में दैट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ, वास्तविकता में वो पैट्रिक ही था जिसने खुद ही होमवर्क किया था। हु वाज टेलिंग व्हाट टू राइट, और जो कि उस एल्फ को बता रहा था कि उसे क्या लिखना है और कैसे करना है। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज, आपका फर्स्ट है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स, यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ द ऑल वर्ड्स, लुक सच वर्ड्स अप इन ए डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। तो सबसे पहले जो जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर जो भी स्पेलिंग्स, जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, जो भी फ्रेजेस दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की आपको मीनिंग जानना है। ठीक है, आप या
आपको जब हमने लेसन का ट्रांसलेट किया था हिंदी में तब आपको इसके बारे में बताया गया था, मैं फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। आउट ऑफ लक का मतलब होता है अनलकी, मिलिट्री का मतलब होता है रहस्य, मतलब कि सीक्रेट भी बोल सकते हैं, ट्रू टू हिज वर्ड अपने शब्दों में सच्चाई, चोरस का मतलब होता है कार्य, सेमेस्टर का मतलब लाइक मतलब समय सीमा, किसी भी सेक्शन का लास्ट जो होता है वो, बिटवीन यू एंड मी तुम्हारे और मेरे बीच में, लुकअप और देखना सम। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, कुछ लोग प्राप्त करते हैं हाउस होल्ड, तो यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ है, ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, मतलब कि हाउस होल्ड के जो घर के जो कार्य होते हैं उनको क्या करते हैं लोग, बोर समझता है, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मुझे पसंद करना होता है कहाँ पर, घर पर। तो यहाँ पर हाउस होल्ड वर्क आएगा, वर्क हम यहाँ पर चोरस को कहते हैं, तो यहाँ पर चोरस का प्रयोग किया जाएगा। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए, जिसने चुराया क्या डायमंड इज स्टिल, वो अभी तक है, ए क्या है रहस्य, यहाँ पर आएगा मिस्ट्री, जिसने भी डायमंड चुराया वो अभी तक रहस्य बना हुआ है, और रहस्य को इंग्लिश में बोलते हैं मिस्ट्री या सीक्रेट, लेकिन हमारे यहाँ पर बुक्स में मिस्ट्री दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा मिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन है, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जामिनेशन, मतलब कि इस सेमिस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जामिनेशन, हम करने जा रहे हैं एक क्लास एग्जीबिनेशन, एक प्रदर्शनी, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, तो यहाँ पर सेमेस्टर का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश द एल्प बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, जो एल्प है उसने प्रारंभ कर दिया सहायता करना किसकी, पैट्रिक की, तो यहाँ पर आएगा ट्रू टू हिज वर्ड, क्योंकि जब ये लाइन आप लेसन में देखोगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, मैं आपको ये लाइन क्या हिंदी अर्थ भी बता चुका हूँ। कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या देख सकते हो, लुकअप, लुकअप आएगा यहाँ पर, दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो या देख सकते हो, लुकअप का मतलब ढूंढना या देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक दैट वॉज ए ट्रैफिक जैम, मतलब कि मैंने प्रारंभ कर दिया था जल्दी चलना समय पर, बट आई वॉज आउट ऑफ लक, मतलब मैं अनलकी था, देर वॉज ए ट्रैफिक जाम, वहाँ पर क्या था एक ट्रैफिक जाम, तो 6 में आएगा आउट ऑफ लक, मतलब कि मैं लकी था, आई वॉज अनलकी, आई वॉज आउट ऑफ लक। 7 क्वेश्चन है, शी हैज गॉट ए लॉट ऑफ बुक्स, कि उसे बहुत सारी पुस्तकें मिल चुकी है, बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, आई थिंक मैं सोचती हूँ मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, कुछ खरीदी गई है, कुछ उधार ली गई है, तो यहाँ पर बिटवीन यू एंड मी आएगा, बट बिटवीन यू एंड मी आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर वॉरआउट, तो यहाँ पर 7 में बिटवीन यू एंड मी का प्रयोग किया जाएगा। बी वाला जो सेशन है उसमें यू द क्लूज गिवन बिलो टू कम्प्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, तो इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको जो वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, जो फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, जो लाइन दी हुई है, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनका मीन जानना है। वेरी टायर्ड फर्स्ट वाला हमारा है, वेरी टायर्ड, तो वेरी टायर्ड वो होता है जो ज़्यादा थका हुआ रहता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेरी, WERY। सेकेंड है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, मतलब किसी के चेहरे पर एक गुस्सा वाला लाइक चेहरा दिखाई देना, जिसके चेहरे पर गुस्सा हो तो उसे क्या कहते हैं, स्कॉल्ड, SCOWLED, स्कॉल्ड। तीसरा है शॉर्ट ट्राउजर्स, मैंने आपको बताया था जब वो पैट्रिक एल्प को देखता है तो उसने एक वूल शर्ट पहना हुआ था और एक मतलब कि हेट पहनी हुई थी और उसने ट्राउजर वो ब्रिचेज पहने हुए थे, जो शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं उन्हें ब्रिचेज कहा जाता है। और फोर्थ है ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, एक मशीन में जो खराबी आ जाती है जो कि बार बार परेशान करती रहती है उसे कहा जाता है, तो उसके लिए ग्लिच का प्रयोग किया गया था, GLITCH, जिसको बार बार परेशानी आ जाती है।
ठीक है, वो होती है ग्लिच। पांचवा है फिफ्थ है ए स्मॉल एंड मोची बॉय फेरी, एक छोटा और एक नटखट्टी लड़का, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। फिफ्थ में हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा जो कि दिया हुआ है एल्फ, जो कि ई एल एफ कहा जाता है, ठीक है। एल्फ जो नोटी बॉय होता है, जो स्मॉल और लिटिल मैन था उसे एल्फ कहा गया था, तो यहाँ पे स्मॉल एंड नोटी बॉय फेरी उसे कहा जाता है एल्फ। सिक्स वाला हमारे पास में है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, वो कार्य जो कि प्रतिदिन किया जाना चाहिए ऑफन बोरिंग, पर जिससे बोर हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, चोर्स कहलाते हैं, सी एच ओ आर ई एस, बोरिंग करने वाले कार्य को कहा जाता है चोरस। सेवन है ए बास्केट विद ए लिट, एक बास्केट जिस जो कि लिट के साथ में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो सेवन वाला जो क्वेश्चन है उसका हमारे पास में आंसर होगा हैम्पर, उसे क्या कहा जाता हैम्पर, एच ए एम पी ई आर। आठवा है गिव ए शॉर्ट हाई पिचेज क्राई, गिव ए शॉर्ट हाई पिचेज क्राई मतलब कि तीखी आवाज में चीखना, जिसे क्या कहा जाता है श्रेक्ट, SHRIEKEDइसे क्या जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन को आपकी नोटबुक में, ठीक है, नोट डाउन करना है और लर्न करना है। लर्न करने के साथ में आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो एल्डर्स हैं उनके सामने इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।